हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद। आई थिंक एक वीक हो गया है उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं बैठी हुई हूँ बालकनी में, एक बज गया है दोपहर का। यहाँ पे हल्की हल्की धूप आई है तो मैं धूप लेने के लिए बैठी हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई है मुंबई में, तो आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड तो पड़ती नहीं है, बहुत हल्की हल्की ठंड होती है, यानी कि फ़ैन तो आपको चलाना ही पड़ेगा। और इस हिसाब के यहाँ पे ठंड होती है, लेकिन फिर भी सर्दी का नाम स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए गोंद के लड्डू तो बनाने ही है। तो चलिए आज हम बनाते हैं गोंद के लड्डू। गोंद बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में ऐड करेंगे घी। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम गोंद ऐड करेंगे। और देखो गोंद अभी फूल रहा है अच्छे से। अब इसको हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और देखो कितने अच्छी तरीके से गोंद है वो फूल गया है। अब हम यहाँ पे आटा भून लेते हैं घी के अंदर। और यहाँ पे मैं क्रश कर रही हूँ गोंद को, ये देखो ऑलमोस्ट हो गया है। फ्रेंड्स, फाइनली अब गोंद बन के तैयार हो गया है, बट हुआ है हाफ, क्योंकि हमारे पास जो मीठा है वो ख़त्म हो गया है। और यहाँ मुंबई में है ना, बूरा मिलती नहीं है। गोंद बनाने के लिए जो बूरा यूज होती है वो यहाँ मुंबई में नहीं मिलती है, तो हाफ हमने बचा के रखना कि यानी कि उसमें मीठा मिलाना बाकी है। और ऑलमोस्ट रेडी है वो, और हाफ हमने रख दिया है क्योंकि गाँव से जब भी कोई आएगा तो हम बूरा मंगवाएंगे और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे। तब तक उसको फ्रिज में रख देंगे। मैं दिखाती हूँ कितना बन गया है, ये देखो। एक ये बना है, ये ड्राई फ्रूट्स वाले हैं, और ये ध्रुव के लिए हैं विदाउट ड्राई फ्रूट्स। और ये बच गया है आप, इसमें घी और बूरा मिला लेंगे हम लोग। गोंद और आटा मिला हुआ है। एक ये बचा हुआ है, ये जो गोंद है ये अलसी वाला गोंद है, इसके अंदर अलसी ऐड की गई है, तो इसके अंदर भी हम मीठा मिलाएंगे बाद में। फ्रेंड्स, अभी मैं इन लड्डुओं को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ठंड नहीं होती है ना, तो ये जमे नहीं है, तो फ्रिज में थोड़ी देर रख दूंगी तो थोड़े से टाइट हो जाएंगे, उसके बाद हम डिब्बे में पैक कर देंगे इसको। फ्रेंड्स, ये आया है ध्रुव के लिए प्रोटीन, तो ये हमने ऑनलाइन परचेज किया है। और तो इसके अंदर कुछ इस तरीके के दो डिब्बे आए हैं, छोटे छोटे इस तरीके के कुछ दो डिब्बे आए। एक और इसके अंदर फ्रेंड्स, अभी आ गए हम नीचे और अभी ध्रुव को पानी पूरी खिला के लेके आती हूँ। अच्छे हैं ध्रुव, ठीक है, आराम से चलाना है, ठीक है। चलाओ, साइकिलिंग करके आ गए आप? हाँ प्लीज। तो फ्रेंड्स, अभी घूम फिर के ऊपर आ गए हैं, तो अभी मैं बनाऊंगी खाना। और ध्रुव भी साइकिलिंग करके आ गया है और ये अब अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा। और अभी मैं इसी के साथ इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।